तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लाए हैं। इस फैक्ट के अंतर्गत क्या है कि जो आईओडी होता है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, ये क्या होते हैं, इसे लगाना क्यों जरूरी होता है और किस टाइम लगवाना चाहिए और किस व्यक्ति के लिए जरूरी होता है जो कॉपर्टी हम सामने रखे हुए हैं इसको, तो इसके बारे में अभी हम तुरंत बताने वाले हैं बाबलू। और कॉपर्टी कैसे यूज कर सकते हैं, कॉपर्टी कैसे काम करता है उसके अंदर। तो कॉपर्टी एक आईओडी है, आईओडी कहने का मतलब फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, इसका हिंदी होती है अंतर्गर्भाशय युक्ति, अंतर्गर्भाशय युक्ति होता है माने गर्भाशय के अंदर इसे लगाया जाता है, यूटेरस के अंदर इसे लगाया जाता है, एक ऐसा डिवाइस है ये जिसे यूटेरस के अंदर लगाया जाता है। ये कॉपर्टी उस व्यक्ति को लगाना चाहिए जो जिसका मतलब अपने बच्चों को टारगेट कर चुका है कि हमको दो बच्चे हो गए, वो दो बच्चा हो गया या तीन बच्चा हो गया, जितना भी उसको चाहिए तो संतान उतना होने के जिसका हो चुका है, पूरा हो चुका है, और वो अगर बंध्याकरण करवाना चाहता था, स्टेलाइजेशन, नसबंदी जिसे कहते हैं, वो करवाना चाहता था, लेकिन नहीं, उससे अच्छा बेस्ट आ चुका है आईओडी। आई एक बहुत ही प्रचलित, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रचलित इसका यूज अभी किया जा रहा, उस व्यक्ति के लिए करना चाहिए जैसे इसमें जो बच्चे को जन्म दे चुका है और एक बार बच्चों को एक दो बार मैंने जो बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो जो बच्चों को जन्म नहीं दिया है अगर वो लगाएगा, अब जो एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया और वो व्यक्ति लगाएगा ना, तो इनफर्टिलिटी हो सकती है उसमें। इनफर्टिलिटी कहने का मतलब बंध्याता माने बांझ हो जाएगा, वो कभी बच्चों को लाइफ में जन्म नहीं दे सकता है, माने जो कभी भी बच्चा को एक भी बच्चा को जन्म नहीं दिया और वो लगा लेगा तो क्या हो जाएगा, बांझ हो सकता है, वो कभी लाइफ में बच्चों को जन्म नहीं दे सकता, तो ये है इसका हानि। बट इसे यूज करना चाहिए कब, तो इसे यूज करने के लिए जब भी कोई चाहे एक बच्चा का जन्म दे दे तब, मान एक बच्चे दो बच्चे के जन्म देने के बाद ही लगाना चाहिए। और ये लगाया जाता है 5 से 10 साल के लिए लगाया जाता है, 1 साल के लिए नहीं, 5 से 10 साल के लिए लगाया जाता है, 20 साल तक भी, मैंने आप जितना दिन बच्चों में रुकावट चाहते हैं उतना दिन तक आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर प्रयास रहता है कि वो बच्चों का जन्म दे दिए हैं, उसका लिमिट हो चुका है और वो अपना बंध्याकरण नहीं करवा करके उसके जगह पे ये आईओडी लगवाना चाहता है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस लगवाना चाहता है, कॉपर टी, कॉपर 7, लिम्पेस लूप, मल्टीलोड 375, हार्मोनली डिवाइस बहुत सारा होता है, 3 तरह का होता है। तो आज हम आपको रियल में बताने जा रहे हैं कॉपर टी जो आपके लिए मैं खरीद के लाया हूं। हमको लगता था कि नहीं, बच्चों लोग को बताना चाहिए और एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है, इससे एग्जाम में भी आता है, अब बोर्ड लेवल के एग्जाम दीजिएगा ना क्लास 12 का, उसमें भी आता है, नेट लेवल का भी क्वेश्चन इससे आता है। इसका काम ही है, अगर ये कॉपर टी देखिए फाड़ रहे हैं, फाड़ने के बाद हम इसे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो देखिए कॉपर टी प्लास्टिक का बना होता है, किसका बना होता है, प्लास्टिक का, किसका बना होता है बाबू, प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें रस्सी डाला हुआ, रस्सी एंटर किया हुआ, जो कॉपर आयंस होता है, कॉपर्स का होता है, कॉपर्स का होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा दम ध्यान से देखिए ताकि आपको लाइफ में यूज करना है ना। हाँ, इसको वैसे व्यक्ति यूज मत करें जो एक भी बच्चा का जन्म नहीं दिया, अगर आप यूज कर लेते तो आपका लाइफ बर्बाद हो सकता है, माने आप में बंध्यता, इनफर्टिलिटी की संभावना हो सकती है, माने बांझ होने की संभावना हो सकती है। ये लगाया जाता है गर्भाशय के अंदर, ये वजाइना के द्वारा, इसे अनुभवी डॉक्टर, एक्सपीरियंस नर्स के द्वारा लगवाया जाता है। इसके लगाने में कोई बड़ा चीज नहीं होता, किसी का बेहोश होश नहीं किया जाता कि नहीं बेहोश करके लगाया जाता होगा, नहीं, इसे अनुभवी नर्स होगा, डॉक्टर होगा जो लगाता होगा, वो इसको वजाइना की सहायता से, फीमेल के वजाइना की सहायता से, सर्विक्स की सहायता से इसे यूटेरस में पहुंचा दिया जाता है और इसे स्थापित किया जाता है। जब यह स्थापित होगा तो प्लास्टिक का बना होता है बाबू, प्लास्टिक का बना होता है, आई प्लास्टिक में कॉपर्स भी दिखेगा, कॉपर्स, कॉपर्स लग रही आपको, मानी ये है प्लास्टिक, इसके ऊपर कॉपर्स, ये लगाने पर क्या होती है कि कॉपर्स आयन रिलीज होता है,
और कॉपर आयन रिलीज होता है ना, तो जो शुक्राणु जाता है, जो स्पर्म जाता है ना, वो स्पर्म की गति को कम कर देता है। मतलब जाना चाहिए, जितना ज्यादा स्पीड में उसको जाना चाहिए, उतना स्पीड नहीं जा पाता, उसका गति को कम कर देता है और उसकी क्षमता को भी कम कर देता है। गति तो कम होता ही, क्षमता भी कम कर देता है, ताकि वो पहुंच नहीं पाता। बाय चांस कोई स्पर्म में पहुंच गया उभम के पास, तो जायगोट बन गया, और जायगोट बनने के बाद यूटेरस में पुनः एंडोमेट्रियम आकर के स्थापित होना चाहता, तो इसे इम्प्लांटेशन नहीं, स्थापित नहीं होने देगा, अर्थात अंतरिरोपण इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा ये। क्यों? क्योंकि कॉपर से ये कॉपर टी से कहती, इसको नाम क्या है देख लेते हैं हम लोग, लिखा गया कॉपर 375, कॉपर इसका मॉडल का नाम है बाबलो कॉपर 375। यही लगाया जाता है 5 साल के से 10 साल के लिए लगाया जाता है, इससे कॉपर आयन रिलीज होता है। कॉपर आयन का मेन ही काम है कि शुक्राणुओं को गति को कम कर देना, क्षमता को कम कर देना, शुक्राणुओं को नष्ट कर देना। बाय चांस किसी कारण शुक्राणु पहुंच गया उभम के पास, तो जायगोट का फॉर्मेशन हो जाती है। अगर जायगोट बन भी गया तो उसे स्थापित नहीं होने देगा पुनः। गर्भाशय को बच्चा दानी भी बोला जाता है, बच्चेदानी, दिक्कत है नहीं? तो इसे वैसे व्यक्ति यूज करें, ये बहुत ही अच्छा मेथड है बाबूलो। इसे मैंने इसमें बच्चों के बीच रुकावट चाहते हैं, मैंने दो बच्चे हो गए संतान, अब बाकी हम मैंने अब हम सोचते हैं कि ऑपरेशन नहीं करवा करके, बंध्याकरण नहीं करवा करके, नसबंदी नहीं करवा करके हम बच्चों को रुकावट देना चाहते हैं, तो अब कॉपर्टी अनुभवी डॉक्टर नर्सिंग के द्वारा पे जा करके आसानी पूर्वक से लगा सकते हैं। इसमें न दर्द होती है उतना कुछ किसी प्रकार का, और नहीं वो सब बेहोश बेहोश करके नहीं लगाया जाता, एंट्री आसानी पूर्वक से एंट्री करवा दिया जाता है गर्भाशय के अंदर। और ये है रस्सी, ये वजाइना में बाहर निकाल दिया जाता है, समझ में आया? इसे स्थापित के कहां, यूटेरस में या सर्विक्स से बाहर, ये रस्सी वजाइना में आ जाता है, ये वजाइना से स्पर्म में अटैच होता, इससे आयन रिलीज होता है। तो आप लोग अपने फैमिली को भी सलाह दे सकते हैं कि आप बंध्याकरण कराने से अच्छा है बाबू लोग कि ये जो आयोडिक मेथड्स है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, ये कई तरह के इसमें डिवाइस आते हैं, बट ज्यादा प्रचलित है ये कॉपर 375 ज्यादा प्रचलित है। क्या है? क्यों? क्योंकि ये हार्मोनल युक्त है, हार्मोनल, जो हार्मोन वाला बहुत कम दिक्कत करता है लाइफ के लिए। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये खास करके बात को ध्यान रखें कि जिसको एक भी बच्चा नहीं हुआ, एक भी संतान नहीं हुआ, वो खास करके इसे यूज मत करे, यूज मत करना इसका। इसका यूज वही व्यक्ति करें जो एक दो बच्चे को जन्म दे दिए, वो यूज कर सकते हैं, या वो अपना लिमिट कर चुका है कि नहीं इतना मर्चा इतना हो चुका है, उसके जगह बंध्याकरण कराने जा रहा था, उसके स्थान पे ये यूज कर सकता है। बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही गुड मेथड है ये, इसे आप चाह सकते हैं तो 5 साल 10 साल बाद फिर इसे निकलवा करके फिर बच्चों का उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगर लगा आपको ये कॉपर का बना होता है और इसमें प्लास्टिक भी होता है, ठीक है बाबूलो, तो हमको लग रहा है कि आपको समझ आ चुका है और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पर हम आज काम किए हैं। तो अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया कि क्या है और रियल में आपके लिए हम लाए हैं बाबूलो, ताकि आपको हम अच्छा तरीके से समझाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर और इसी तरीका से आप वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे सहेली दावा क्या है, सहेली कैसे यूज करते हैं, माला डी माला इन क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, कॉन्डोम कैसे लगाया जाता है, सेफ्टी किट है क्या, इसकी कैसे मैंने यूज किया जाता है, सारा चीज बताएंगे इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो बाबू लोग मिलते हैं अगले दिन, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।